हेलो दोस्तों, मैं यशपाल स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, लास्ट टाइम डिस्कस किया था हमने हैव टू और हैज टू का यूज़, और उसमें देखा था प्रेजेंट के लिए लगाते हैं। उसके बाद हमने किया था हैड टू का यूज़, वो देखा था पास्ट के लिए, और आज आपके लिए लाए हैं फ्यूचर, यानी कि विल हैव टू और शैल हैव टू का यूज। तो देखते हैं आज विल हैव टू और शैल हैव टू का यूज। और अभी तक मेरे लास्ट वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज पढ़ते हैं विल हैव टू और शैल हैव टू। तो दोस्तों, विल हैव टू शैल हैव टू तब लगाया जाता है जब हिंदी में ना होगा या ना पड़ेगा या ना पड़ता होगा, इस तरह की चीजें देखने को मिलेगी। तो इसकी बात करें रोल की, तो रोल सबसे पहले सब्जेक्ट, जैसे हमने हैज टू हैव टू में पढ़ा था, सब्जेक्ट सबसे पहले, विल हैव टू या शैल हैव टू, और कि फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब, ये हमारा रोल हो जाता है पॉजिटिव का। नेगेटिव की बात करें दोस्तों, तो सब्जेक्ट सबसे पहले, विल नॉट या शैल नॉट, यहाँ देखने को मिलेगा विल नॉट या शैल नॉट, उसके बाद हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब, इस तरह से हमारा ये रूल हो जाता है नेगेटिव का। इंटरोगेटिव बनाना है तो आपको ऑलरेडी पता ही है, विल या शैल पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट उसके बाद हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब। तो चलिए एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। जैसे मैंने कहा मुझे आज स्कूल जाना पड़ेगा, तो आई शैल हैव टू गो टू स्कूल टूडे। और जैसे मैंने कहा मुझे आज आपके लिए खाना बनाना पड़ेगा, तो आई शैल हैव टू कुक द फूड फॉर यू। तो दोस्तों ध्यान देना, यहाँ मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा शैल लगता है, यानी कि आई और बी के साथ शैल का यूज किया जाएगा और बाकी के साथ विल का यूज किया जाएगा। तो आगे देखें, जैसे मैंने कहा आपको मुझे बताना पड़ेगा, तो यू विल हैव टू टेल मी, आपको वहां जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो देयर, आपको उसकी मदद करनी पड़ेगी, यू विल हैव टू हेल्प हिम। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। नेगेटिव की बात करें तो जैसे मैंने कहा तुम्हें वहां नहीं जाना पड़ेगा, तो यू विल नॉट हैव टू गो देयर, तुम्हें यहाँ नहीं बैठना पड़ेगा, यू विल नॉट हैव टू सिट हियर। इस तरह के नेगेटिव के सेंटेंसेस भी आप बना सकते हैं। बात करें इंटरोगेटिव की, जैसे मैंने कहा क्या तुम्हें आज बाजार जाना पड़ेगा, तो विल यू, ध्यान देना विल पहले आ जाएगा या शैल पहले आ जाएगा, तो यहाँ विल लगेगा क्योंकि यू है, तो विल यू हैव टू गो टू मार्केट टुडे, इस तरह के सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। बात करें दोस्तों डबल इंटरोगेटिव की, यानी कि व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, हाउ मेनी, इस तरह के सेंटेंसेस की, तो ये सबसे पहले आ जाएंगे, उसके बाद आपको पता है विल या शैल, सब्जेक्ट, हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब। जैसे एग्जांपल देखें, तुम्हें वहां क्यों जाना पड़ेगा, तो व्हाई पहले आ जाएगा, व्हाई विल यू हैव टू गो देयर, व्हाई विल यू हैव टू गो देयर, तुम्हें सबके लिए खाना क्यों बनाना पड़ेगा, तो व्हाई विल यू हैव टू कुक द फूड फॉर ऑल, इस तरह की सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। आप उम्मीद करता हूँ आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, इसको बोल चाल में लाओ, प्रैक्टिस करो दोस्तों, अपने फ्रेंड सर्कल में ऐसा माहौल बनाओ कि आप इंग्लिश के इस तरह के सेंटेंसेस डिस्कस करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रैक्टिस कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा होगा और इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करोगे, और ऐसे प्रैक्टिस करते रहें, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप ऐसे ही लाइक जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।